राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से संवाद किया। सीएम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड एवं उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप को प्रोत्साहन राशि एवं टैबलेट वितरित किया। राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कैसे स्वामी जी ने दुनिया को सनातन का संदेश दिया था और हिंदू और हिंदुत्व के मूल मंत्र से अवगत कराया था। हमारी सभ्यता और संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है। हम किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, लेकिन किसी से कम भी नहीं है। जब भाव हमारे मन में आएगा कि नहीं, हम गुलामी की मानसिकता में जी नहीं सकते, इसके अनुसार नहीं काम करेंगे, तो बहनों और भाइयों कोई कारण नहीं हम आगे न बढ़ जाएं। छात्रों से संवाद के दौरान जब एक छात्रा ने योगी सरकार में सुदृढ़ हुए कानून व्यवस्था का जिक्र किया तो इससे और बेहतर करने में युवाओं की भूमिका के बारे में पूछा। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी बेटी का यह कहना कि वह प्रदेश में सुरक्षित महसूस कर रही है, मेरे लिए गौरव की बात है। युवाओं के मंच पर मुख्यमंत्री ने यूपी के क्षमताओं का जिक्र किया, सरकार कैसे युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में जुटी है इसका जिक्र किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। युवा शक्ति देश की तरक्की